सेम ऐसा ही इसी टाइप का रीडर और राइटर प्रॉब्लम है। रीडर राइटर प्रॉब्लम बोलते हैं उसको। उसमें क्या होगा, रीडर और राइटर का मतलब क्या है, नाम से ही लग रहा है, एक रीड कर रहा होगा कुछ डेटा को, एक रीड कर रहा होगा तो रीडर बन गया, एक राइटर है। मतलब क्या, कहीं पर डेटा स्टोर जो होगा उसको राइट कर रहा होगा, या तो खाली जगह है वहां राइट करे या ओवर राइट करे, लेकिन राइट कर रहा होगा। इसमें क्या क्या चीज होना चाहिए, अगर रीडर है और राइटर है तो मान लो कहीं कोई मेमोरी स्पेस में कुछ स्टोर किए हो तुम, तो उस मेमोरी को अगर एक से ज्यादा लोग रीड करे सेम टाइम में तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नहीं 10 रीड करे तब भी क्या है, डेटा तो वही रहेगा, डेटा चेंज नहीं हो रहा है। जो ओरिजिनल चीज है, डेटा है, उसी को सब लोग मिलके रीड कर रहा है। ये क्या हो गया, रीडर का हो गया। राइटर का क्या है, एक से ज्यादा अगर राइट करेगा पैरेलली, मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन में एक से ज्यादा राइटर अगर होगा, एक कुछ और राइट कर रहा है, दूसरा सेम टाइम में कुछ और राइट करके हो सकता है डेटा लॉस करवा दे, पॉसिबल है ओवर राइट करने से। मतलब कि राइटर पैरेलल में नहीं रह सकता है, ना तो रीडर के पैरेलल में और ना तो राइटर खुद अपने किसी और राइटर के पैरेलल में। तो इसे कोड को लिखते हैं, फिर हम लोग आगे एनालाइज करेंगे कोड को रन करवाकर। रीडर राइटर इसमें होगा क्या, इसमें एक स्पेस होगा जहां पर कि डेटा को स्टोर किया गया, जहां से रीड कर सकते हैं डेटाबेस। जो डेटाबेस है, एक स्पेस है जहां से रीडर रीड करेगा और राइटर जहां राइट करेगा। रीडर्स कितना है, मल्टीपल रीडर्स है। एक से ज्यादा रीडर्स है। राइटर कितना है, राइटर भी मल्टीपल है। राइटर भी क्या है, मल्टीपल है। तब दोनों के कोड को लिखते हैं। इंट RC इक्वल टू 0, बाकी और ऊपर से लिखना चाहिए था कोड। चलो देखते हैं जहां तक इसमें आए।
कोड को अच्छे से देखना, एक कोड को लिख लेते हैं पहले, उसके बाद देखना। और इसके बाद का कोड है जो यहां से स्टार्ट है, राइटर का कोड है, रीडर का एक बार देखो कोड को, यहाँ से स्टार्ट है ऐसे, इसके बाद स्पेस नहीं था, इसके बाद जो है अगला लाइन जो यहाँ से स्टार्ट है, एक बार कोड को देखो। बस यही कोड है रीडर और राइटर का। अब हम लोग का काम क्या है, इस कोड को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवाना, डिफरेंसेस को देखना क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आ सकता है, ठीक है। तो रीडर का मतलब समझ गए कि एक साथ मल्टीपल रीडर, एक से ज़्यादा रीडर डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा राइटर नहीं रह सकता है,
देखो यहाँ पर लिखते हैं रेड पेन से क्या क्या अलाउड है इस सिस्टम में। रीडर रीडर अलाउड है, रीडर राइटर नहीं अलाउड है, राइटर राइटर नहीं अलाउड है। ठीक, रीडर रीडर अलाउड हो सकता है, हाँ सिंगल अगर रहे, सिंगल रीडर हो अलाउड है, सिंगल राइटर हो ए अलाउड है। कितना केस बना, पांच बनाना है, एक दो तीन चार पांच केस। इसमें रीडर अकेला है अलाउड है, राइटर अकेला है अलाउड है, मल्टीपल रीडर है वो भी अलाउड है, लेकिन राइटर के साथ में रीडर नहीं होना चाहिए, राइटर के साथ में कोई और राइटर भी नहीं होना चाहिए, ये बात कंफर्म है। तो बोलोगे मान लो रीडर दो राइटर के साथ में एक रीडर रहे, अरे दो राइटर ही नहीं अलाउड है, दो रीडर के साथ में एक राइटर रहे, एक रीडर के साथ में नहीं अलाउड है, मतलब रीड और राइट पैरेलली नहीं हो सकता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कोड को नॉर्मल वे में एग्जीक्यूट करवाएंगे, फिर देखते हैं क्या कुछ चेंज इसमें ऑब्जर्व करने लायक है। तो यहाँ क्या है, म्यूटेक्स है, डीवी का वैल्यू है, डीवी भी एक ए भी सेमाफोर है, ए भी सेमाफोर है। ठीक, आरसी इसमें दिख रहा है, आरसी है नंबर ऑफ रीडर्स, मतलब क्या आरसी यहां लिखते हैं, आरसी बराबर नंबर ऑफ रीडर्स, आरसी है जो नंबर ऑफ रीडर्स के लिए है, कितना नंबर ऑफ रीडर है, क्यों, क्योंकि मल्टीपल रीडर एक्सेस कर सकता है ना, एक से ज्यादा रीडर तो अलाउड है ना, दो रीडर तीन चार पांच दस कितना भी रीडर डेटाबेस को रीड कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको एग्जीक्यूट कहाँ करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाने के लिए कहाँ पर स्पेस बनाए, चलो यहाँ कोड खत्म हो गया है ना, यहाँ पर ही बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे अपना, क्या क्या है म्यूटेक्स और डीबी, यहाँ क्या लिखते हैं, म्यूटेक्स और डीबी, इसके बाद क्या है आरसी है नंबर ऑफ रीडर्स के लिए, इसको भी लिख लेते हैं, आर सी आरसी का वैल्यू है, म्यूटेक्स कितना है, म्यूटेक्स वन है, इनिशियली म्यूटेक्स वन है, डीवी क्या है, डीवी भी इनिशियली वन है, डीवी भी वन है, आरसी का वैल्यू इनिशियली कितना है, कितना रीडर यहाँ पर है, एक भी नहीं है, मतलब कि आरसी का वैल्यू जीरो है। चलो अब इसको रन करवाते हैं, इंट आर सी इक्वल टू जीरो सेमाफोर म्यूटेक्स वन सेमाफोर डीवी वन वॉइड रीडर फाइल टू डाउन म्यूटेक्स, यहां से मेन प्रोग्राम हम लोग का स्टार्ट हुआ, डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को क्या करना है, डाउन करना है, तो म्यूटेक्स को क्या किए, डाउन किए, क्या हो गया वन से जीरो आ गया, फिर इसके आगे जाएंगे आर सी इक्वल टू आर सी प्लस वन, आर सी का नया वैल्यू क्या होगा, पुराना आर सी का वैल्यू प्लस वन ऐड होकर, आर सी पहले कितना था जीरो है ना, तो अब कितना हो गया वन हो गया, क्योंकि तो पहले रीडर एक भी नहीं था, अब एक रीडर कोड को रन करवाना शुरू किया, इसलिए जीरो प्लस वन वन हो गया, तो आर सी का वैल्यू ये हम करवा ले। इसके बाद इफ आर सी इक्वल टू वन, मतलब आर सी का वैल्यू अगर वन है तो डाउन डी बी, तो आर सी का वैल्यू कितना है वन है, ये क्या बोल रहा है वन है तो डी बी को डाउन करना है, वन है ना तो डी बी के क्या करेंगे
डीवी को डाउन करेंगे तो कितना हुआ, जीरो हो गया, वन है, वन को डाउन किए जीरो हो गया, डीवी डाउन हो गया। फिर उसके बाद में म्यूटेक्स को अप कर दिए, म्यूटेक्स यहाँ है ना, म्यूटेक्स को अप कर दिए, फिर कहाँ आ गए, डीवी में आ गए, कौन आ गया, ए रीडर ओवन आ गया, आ गया ना रीडर ओवन। अब देखते हैं कि एक से ज्यादा रीडर अलाउड था ना, अब एक और रीडर आता है कि नहीं वो चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, ए तो यहाँ है ही, इसके बाद में डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को डाउन करते हैं, म्यूटेक्स को डाउन करते हैं, आर सी इक्वल टू आर सी प्लस वन, आर सी कितना है वन है, वन प्लस वन कितना हुआ टू हो गया। इफ आर सी इक्वल टू वन, आर सी वन है नहीं है, इफ कंडीशन फॉल्स, अगर इफ सही रहेगा तब ये डाउन डीवी होता, इफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो डाउन डीवी नहीं होगा। तो इसके आगे आ गया, इसके आगे क्या है, अप ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को अप करना है, म्यूटेक्स को अप करना है। देख लो कितना स्मूथली अब कोड को रन करवा रहे हैं, क्यों, इसका हर डिटेल पहले बता चुके हैं, इसलिए आसान हो गया, इसलिए एक बार पढ़ लोगे बहुत आसान होगा वो। चलो म्यूटेक्स को क्या किए हम लोग, अप कर दिए डीबी में, फिर से आ गया कौन आया, रीडर टू आ गया, कहाँ आ गया, डीबी में आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, दो रीडर था ना अलाउड, दो रीडर आ गया ना, सही है। अब देखते हैं राइटर भी आ सकता है क्या, ये भी देखो एक रीडर भी आ गया था हम लोग का, दो रीडर वाला केस भी आ गया है, सबको सही करना है, सब कंडीशन को। अब राइटर आ सकता है क्या, इसमें देखते हैं क्या है, वाइड राइटर वाइड वाइल ट्रू डाउन डीबी, डीबी को क्या करना है, डाउन करना है, डीबी कितना है, पहले से जीरो है, जीरो को डाउन किए तो जीरो ही रह गया, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर डाउन डीबी किए, जीरो को डाउन किए हैं तो क्या हो गया, बोलो, सस्पेंड हो गया, मतलब कि राइटर नहीं आया, क्यों नहीं आया, पहले से रीडर है इसीलिए राइटर नहीं आया, तो सही है ना, हम लोग को यही चाहिए था कि रीडर रहेगा तो राइटर नहीं आना चाहिए बस, तो रीडर है, रीडर के साथ में राइटर नहीं आना चाहिए था हम लोग को, ये सही हो गया कंडीशन, ये फुलफिल हो गया कोड को रन करवाए तो। उसके बाद क्या है, राइटर राइटर और एक राइटर, तो चलो सब रीडर को बाहर लेकर चलते हैं, पहले यहां से निकले, म्यूटेक्स को डाउन करेंगे, म्यूटेक्स क्या है यहाँ है, इसको डाउन करेंगे, फिर यहाँ आएंगे आर सी इक्वल टू आर सी माइनस वन, आर सी कितना है टू है, टू माइनस वन कितना हुआ वन हो गया, इफ आर सी इक्वल टू जीरो अप डी बी, अगर आर सी इक्वल टू जीरो रहे तब अप करना है, आर सी इक्वल टू कितना है, आर सी इक्वल टू वन है, मतलब अप डीवी नहीं करेंगे, इफ का कंडीशन फेल हो गया, तो इसके अगले स्टेटमेंट में आएंगे, क्या है, अप ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को अप कर दिए, ये कौन बाहर गया, आर वन को समझो हम बाहर लेकर चले गए, फिर उसके बाद आर टू को भी बाहर लेकर जाते हैं, तो डीवी है ना, डीवी के बाद यहाँ तो पिछले सेक्शन में है ही, इसके बाद डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को डाउन कर लिए, इसके बाद कहाँ आया, इसके बाद यहाँ आया आर सी इक्वल टू आर सी माइनस वन, तो आर सी इक्वल टू आर सी माइनस, आर सी कितना है वन है, वन माइनस वन कितना हुआ जीरो हो गया, तो आर सी इक्वल टू आर सी माइनस वन कर ले, इसके आगे आए इफ आर सी इक्वल टू जीरो, आर सी इक्वल टू जीरो है, हाँ है, क्या बोल रहा है, अगर रहे तो अप डी बी, मतलब कि डी बी को अप करना, डी बी कितना है जीरो है, जीरो से अप करके कितना होगा वन हो गया, तो डी बी अप हो गया, फिर अप म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को भी अप कर देना है, म्यूटेक्स क्या है जीरो है, तो अप किए तो वन हो गया, ए रीडर भी बाहर आ गया,
अब डेटाबेस खाली हो चुका है फिर से। अब क्या करना चाहते हैं हम, अब चाहते हैं राइटर को लाना चाहते हैं हम यहाँ पर। तो राइटर को कैसे लाएंगे, इसके कोड को रन करवाकर। कोड क्या है, डाउन डीबी, यहाँ ही सस्पेंड हुआ था ना, फिर क्या रहेगा, क्या डाउन डीबी, डीबी क्या है वन हो गया ना है, डाउन किया तो ये हो गया जीरो। ये सीएस में इंटर कर गया, मतलब कि राइटर ओवन सीएस में आ गया। एक राइटर अलाउड हो गया ना, एक राइटर अलाउड था भी, ये भी काम हम लोग का हो गया। अब देखते हैं एक और राइटर आ सकता है क्या। देखो फिर से ऊपर से आएंगे, डाउन डीबी करना है हम लोग को। डीबी कितना है, जीरो है ना, जीरो को जैसे ही डाउन करेंगे ये जीरो रहेगा और यहाँ पर सस्पेंड हो जाएगा। मतलब क्या है, एक से ज़्यादा राइटर नहीं आएगा, समझ गए ना। तो एक से ज़्यादा राइटर नहीं अलाउड है, जो कि सही है, मल्टीपल राइटर अलाउड नहीं है इसमें, सही है। मतलब हम लोग का सब कंडीशन फुलफिल हो गया। अच्छा एक बार देख लेते हैं, रीडर को आ सकता है क्या, देखो देखते हैं रीडर को आ सकता है क्या, देखते हैं कैसे। डाउन किए म्यूटेक्स को, म्यूटेक्स को डाउन किए, म्यूटेक्स कितना है वन है ना, वन को डाउन किए तो जीरो गया। RC = RC + 1 किए, if RC = 1, अगर RC1 है तो, RC1 है ना, हाँ RC1 है, क्या करना है, डाउन ऑफ डीबी, डीबी को डाउन करना है। डीबी कितना है, जीरो है ना, जीरो को डाउन करेंगे तो जीरो ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस को क्या किया, सस्पेंड करवाया, क्यों, डीबी जीरो है और उसको ये डाउन करने गया था। किसी भी सेमाफोर को अगर वैल्यू जीरो है उसको कोई डाउन ऑपरेशन करने जाएगा तो क्या होगा, प्रोसेस सस्पेंड हो जाएगा। यहाँ इसलिए रीडर है जो सस्पेंड हो गया, मतलब कि राइटर अगर है तो रीडर नहीं आया, मतलब सही है, वही चाहिए था हम लोग को। मतलब क्या हो, प्रॉपरली हम लोग का रन कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, यही कंडीशन था ना हम लोग का रीडर राइटर के लिए, ये पूरा कंडीशन फुलफिल हो गया इस तरीके से सेमाफोर को यूज किए इसके कोड में। तब सब तरह के रन करवा के हम लोग देख लिए, तब इसके बाद क्या है, कुछ चेंज करके देखेंगे। जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर में कुछ चेंज किए थे और वहाँ ऑब्जर्व किए थे, कुछ छोटा छोटा चेंज करने से कुछ कोडिंग में गड़बड़ होता था और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता था, जो कि नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो अभी जैसे हो रहा है स्मूथली, ये एग्जीक्यूशन ऐसे नहीं हो रहा था। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी सेम वही काम करेंगे, इसको देखेंगे एक बार कुछ चेंजिंग लाकर और ऑब्जर्व करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अभी जो लिखे हैं ना ये सबको हटाते हैं, पहले जितना चीज अभी लिखे हैं सबको हटाते हैं ताकि समझ गए ना कैसे हो रहा है। कुछ नहीं करना है, बस कोड को कंटिन्यूअसली रन करवाना है, हर स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है बस वो करते जाना है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें दिमाग कहाँ लगाना है, सब कुछ दिया रहेगा एग्जाम में, सब कोड दिया रहेगा, केवल कोड को ऐसे कैसे कोड लिखे हमको याद थोड़ा ही करना था, कोड याद ही नहीं करना है, कोड को हम पेपर से लिख लिए फिर रन करवा रहे हैं, केवल उसी एग्जाम में पेपर में कोड गिवन होगा उसको रन करवाना होगा, चेक करना होगा कंडीशन को। ये ऐसा चीज है जिसमें एक भी फॉर्मूला नहीं यूज करना है, मतलब कि फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, बस सिंपल लॉजिक है, लॉजिक लगाओ आंसर आ जाएगा बस, मतलब कुछ नहीं याद करना है, इससे आसान और क्या हो, कुछ नहीं हो सकता है। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, एक भी चीज नहीं याद करना, कोई डिटेल नहीं, ना कोई फॉर्मूला, ना कुछ, ना कैलकुलेशन का झंझट, कुछ भी नहीं। कैलकुलेशन क्या है, 0101 हम लोग कर रहे हैं केवल, ये कोई कैलकुलेशन है बोलो,
कोई तरह का कैलकुलेशन है? अच्छा देखो, मान लो इस सबको इसको काट देते हैं, है? ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आया, ये भी बाहर आया। बाहर कैसे आता है? डीवी को अप करके बाहर आ जाता, डीवी को अप करके बाहर आया था। फिर उसके बाद एक और राइडर जा सकता है, रीडर को जाना है, रीडर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी बाहर आ जाता। आप देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसमें कुछ स्टेटमेंट को, कुछ इंस्ट्रक्शन को फिर से स्वैप करेंगे, फिर देखेंगे वो एक्चुअली जैसे रन कर रहा था पहले, अब रन करता है कि नहीं। तो कहाँ कहाँ है, ब्लैक मार्कर से लिखते हैं, डाउन ऑफ म्यूटेक्स आर सी इक्वल टू आर सी प्लस वन। ये हो गया वन, फिर उसके बाद ई फॉर अप म्यूटेक्स। ये हो गया टू, डाउन और आर सी। ऐसा करते हैं, डाउन म्यूटेक्स है इसको भी यहां ही लिख लेते हैं, आसान होगा, एक साथ दोनों दिखेगा। लो यहां से, ये यहाँ के बाद का कोड ये है। यहाँ के बाद कोड ए है, उसके बाद थर्ड जो हम लोग चेंज करेंगे कहाँ पे है, डाउन आर सी माइनस वन। अब देखो क्या क्या है, वन पहला क्वेश्चन क्या है, डाउन ऑफ म्यूटेक्स आर सी इक्वल टू आर सी प्लस वन। ये दोनों को इंटरचेंज करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, आर सी इक्वल टू वन इफ ईप कंडीशन है, उसके बाद अप म्यूटेक्स है, ये दोनों को चेंज करके देखेंगे एक बार क्या प्रॉब्लम आ रहा है। फिर एक और प्रॉब्लम है, डाउन म्यूटेक्स में है और आर सी इक्वल टू आर सी माइनस वन, इसको चेंज करके एक बार देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है। यही तीन ऑब्जर्वेशन इसमें करना है बस, म्यूटेक्स यहाँ है, डीबी यहाँ है, आर सी यहाँ है। अब इसके बाद हम लोग आगे का काम करते हैं, पहले वन वाले को देखते हैं क्या है, एग्जीक्यूट करवाएंगे। इनिशियली आर सी कितना है, जीरो है, ठीक। यहाँ से सारा रीडर बाहर जा चुका है, और ना तो राइटर है, राइटर रीडर यहाँ कुछ भी नहीं है, जान लो। तो इसके बाद में आर सी इक्वल टू जीरो है ना, आप देखो क्या करते हैं, इसको रन करवाते हैं कोड को। ए तो डी वी वन है, डी वी का वैल्यू वन है, ऑलरेडी पहले गिवेन है, म्यूटेक्स म्यूटेक्स वी वन है, डी बी वी वन है, म्यूटेक्स वन डी बी वन, आर सी का वैल्यू जीरो, जो कि इनिशियली कंडीशन गिवेन है। इसके बाद हम लोग इस स्टेटमेंट को चेंज करके रन करवा कर देखते हैं। ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट को हम कहीं और लिखते हैं, ये स्टेटमेंट को हम यहाँ लिखते हैं, ए पोर्शन में,
क्या स्टेटमेंट है? डाउन ऑफ म्यूटेक्स और आरसी इक्वल टू आरसी प्लस वन, ये दोनों को चेंज करना है ना, चेंज करके ही लिखते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, आरसी इक्वल टू आरसी प्लस वन, ऊपर क्या हुआ, आरसी इक्वल टू आरसी प्लस वन, उसके बाद क्या आएगा, डाउन ऑफ म्यूटेक्स से जो नीचे चला जाएगा, तो डाउन ऑफ म्यूटेक्स नीचे चला गया, ठीक, यही दो स्टेटमेंट है ना, इसको हम इंटरचेंज करके यहाँ लिख लिए, जब रन करवाएंगे तो इसके जगह पर हम लोग इसको रन करवाएंगे, ठीक। अब चलो, वाइल टू आए आर सी इक्वल टू आर सी प्लस वन के, आर सी कितना है, जीरो है ना, जीरो है, आर सी प्लस वन किए तो वन हो गया, फिर डाउन ऑफ म्यूटेक्स करवाए, म्यूटेक्स वन है ना, डाउन किए तो जीरो हो गया, इसके बाद क्या जाएंगे, इसके बाद ये दोनों स्टेटमेंट के बाद आगे बढ़ेंगे, इफ आर सी इक्वल टू वन डाउन डी वी, आर सी बराबर वन है ना, तो डी वी को डाउन कर लिए, अप म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को अप कर दिए, तो म्यूटेक्स को अप कर दिए, अब क्या आया यहाँ पर, यहाँ पर एक रीडर आर वन फिर से आ गया, ठीक, पहले वाले को लाओ, हटा ही देते हैं, पहले वाले को यहाँ से हटा ही देते हैं, जब कोई काम ही नहीं है और सबका तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, आर वन यहाँ आया, म्यूटेक्स अप हो गया, अब देखते हैं एक और रीडर को लाकर, डाउन ऑफ म्यूटेक्स उसके जगह पर, ए स्टेटमेंट की जगह पर क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो आर सी इक्वल टू आर सी प्लस वन, आर सी कितना वन है, तो इसकी जगह पर किए तो ए टू हो गया, डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को डाउन किए तो जीरो हो गया, उसके बाद आर सी इक्वल टू वन है क्या, आर सी इक्वल टू वन है क्या, नहीं है, तो ए इफ कंडीशन के बाहर आएंगे, फिर देखेंगे क्या, अप ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को अप किए, अप किए ना, अब क्या हुआ, एक और डीबी में आ गया रीडर, मतलब कि आर टू भी आ गया है, अब दो रीडर अलाउड था ना, अलाउड था, आ गया, सही काम कर रहा है अब तक, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज किया, इंटरचेंज किया, इंटरचेंज किया हुआ कोड को हम रन करवा रहे हैं, सही काम कर रहा, कोई दिक्कत अभी नहीं है, देखते हैं एक बार राइटर को ले जाकर, यहाँ राइटर को यहाँ लाना चाहते हैं, राइटर डाउन डीबी, डीबी को डाउन किया, जीरो था, जीरो से फिर डाउन किया, तो ये हो गया सस्पेंड, ये क्या हो गया, सस्पेंड हो गया, सही बात है, रीडर यहाँ है, राइटर आना चाह रहा, नहीं आएगा, यही तो चाहिए था हम लोग को, राइटर सस्पेंड हो गया, अकेला राइटर को अगर लाना रहे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, अगर रीडर नहीं होगा, रीडर अगर डीबी को कौन डाउन किया है, डीबी को वन से जीरो कौन बनाया, रीडर बनाया है, अगर एक भी रीडर नहीं रहेगा यहाँ पर तो राइटर आराम से चलाएगा, इस कोड को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, कोड यहाँ चेंज हुआ है ना, उसको क्या क्यों फर्क पड़ेगा, जब तक इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे तब तक ये कुछ चेंज नहीं ला सकता है ना, हम बोल रहे हैं कि इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया है, यहाँ चेंज कुछ किए हैं लेकिन इसको एग्जीक्यूट करवाया ही नहीं, और राइटर वाले को किए हैं, राइटर वालों को क्या दिक्कत होगा, इनिशियल कंडीशन तो सेम ही है ना, राइटर जैसे पहले इंटर कर रहा था बाद में भी इंटर करेगा, हाँ इसको चेंज करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करवाए, इसके बाद में इसको ले आ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, रीडर के साथ में राइटर नहीं जा रहा है, सस्पेंड हो रहा है, अब तक सब सही है,
अब देखो क्या होगा चेंज। हम लोग का पर्पस क्या था, क्या बताए थे कि जब दो स्टेटमेंट को इंटरचेंज करते हैं, हम लोग को देखना है कि उस दोनों को जब चेंज किए हैं, इंटरचेंज किए हैं, उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है क्या, बस वही दोनों के बीच में जिसको इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज क्या किए थे, ये दोनों स्टेटमेंट को किए थे। ये दोनों स्टेटमेंट कहाँ है, यहाँ है। तो अब देखो, पहले रीडर को बाहर लेकर जाते हैं, जो भी रीडर आया सबको बाहर करते हैं। डीवी है ना, डीवी से यहाँ आए, डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को डाउन किया, तो बाहर ले जाना है। सेम प्रोसेस से वैसे ही जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं है ना, जैसे पहले बाहर ले गए थे वैसे ही अभी भी बाहर चला जाएगा। मतलब इनिशियल कंडीशन में हम अपने कोड को ले आते हैं। ये दोनों बाहर चला गया, उसके बाद म्यूटेक्स का वैल्यू कितना था, म्यूटेक्स का वैल्यू 1 था। इनिशियल कंडीशन में डीवी का वैल्यू 1 था और आरसी का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली अगर कोई रीडर नहीं है तो आरसी कितना होगा, आरसी 0 ही होगा। चलो तो आरसी 0, डीवी भी 1 है, म्यूटेक्स भी 1 है। अब बोलोगे जब सब कुछ सही है तो क्यों बता रहे हैं, सब नहीं सही है, अभी कुछ चेंज आने वाला है। देखो अच्छे से ऑब्जर्व करना, रेड पेन से बनाते हैं इसको। यहाँ पर देखो क्या है, रन करवा रहे हैं हम, इसको चेंज किए हैं ना ऑर्डर, इसके जगह पर क्या, ये देखो कोड रन करवाने आए, म्यूटेक्स को म्यूटेक्स 1 कर दिए, डीवी को 1 कर दिए, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब यहाँ आए तो ये इंटरचेंज कोड यहाँ लिखे, इसको रन करवाएंगे। हम क्या किए, आरसी इक्वल टू आरसी प्लस 1, आरसी ये है ना, आरसी प्लस 1 क्या किया, 0 से क्या हुआ 1 चला गया, आरसी प्लस 1। यहाँ पर हम प्रोसेस को प्रीम्प्ट किए, ठीक, प्रीम्प्शन हुआ एक रीडर को, R1 को हम यहाँ प्रीम्प्ट किए हैं। प्रीम्प्शन कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, हम इस लोकेशन पर प्रीम्प्शन करवाए हैं, जब यहाँ जब रन कर गया तो। उसके बाद एक और रीडर को हम लाते हैं, एक और रीडर को लाए, जब ऐसे ही लाए सेम, क्या किया, इस कोड पर जब आया तो यहाँ पहुँच गया। एक और रीडर को लाने पर क्या हुआ, ए इसको रन करवाए, आरसी इक्वल टू आरसी प्लस 1, तो आरसी कितना है 1 है ना अभी। फिर एक और लाए तो क्या हुआ, एक और लाए तो ये बन गया 2 बन गया ना यहाँ पर ही। अब देखो क्या किए, अब म्यूटेक्स को डाउन किए, म्यूटेक्स को डाउन किए। अब म्यूटेक्स कहाँ है, यहाँ पर है, इसको 0 बनाए। फिर ये R1 को करवा रहे हैं, या R2 को ही, R1 मान लो प्रीम्प्ट है ना, इसको छोड़ देते हैं अभी। R2 जो लाए हैं उसको कंप्लीट रन करवाते हैं अभी, इसको डेटाबेस में लेकर जाते हैं, क्योंकि अभी खाली है ना, अभी चला जाएगा, लेकर जाते हैं R2 को। इसके बाद में जब 1 से 2 किया था आरसी की वैल्यू को, इसके बाद में डाउन ऑफ म्यूटेक्स किए, डाउन ऑफ म्यूटेक्स किए, फिर कहाँ आया, सेम कोड यहाँ से रन करेगा, ये वाला क्या है, इफ आरसी इक्वल टू 1। इफ करने से क्या, आरसी इक्वल टू 1 है क्या, नहीं 2 है, 1 नहीं है ना, 2 है। देखो इफ आरसी इक्वल टू 1 डाउन डीवी, डाउन डीवी करते कब करते, आरसी इक्वल टू 1 होता तब करते, लेकिन आरसी इक्वल टू 2 है, मतलब इफ कंडीशन फॉल्स हो गया, इसके बाहर आ जाएंगे। अप ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को क्या किए, अप कर दिए। इसके बाद क्या है, डीबी है, डेटाबेस है, यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर आया R2 आ गया। R1 कहाँ है हम लोग का, R1 तो प्रिंट हो रखा है यहाँ पर, इसको भी रन करवाते हैं आगे। इसके बाद अगला से स्टार्ट किया, डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को डाउन किया, डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को डाउन किया। इसके बाद क्या किया, जब डाउन कर लिया म्यूटेक्स को, फिर अपना कोड पर यहाँ आया, क्या है, इफ आरसी इक्वल टू 1 डाउन डीवी, कंपेयर कर रहा है आरसी को 1 से, आरसी 1 है क्या, देखो आरसी इक्वल टू 1 है, नहीं 2 है,
RC 2 है, अभी पहले भी 2 था, फिर से अभी 2 ही आया है। जब आर टू यहाँ से पास हुआ था तब भी 2 ही था, अभी भी 2 ही है, तो RC 2 है। डाउन डीवी नहीं करेगा, नहीं करेगा। अप ऑफ म्यूटेक्स क्या किया इसके बाद में, अप ऑफ म्यूटेक्स किया, म्यूटेक्स को अप कर दिया, ओपन कर दिया। ये कहाँ आ गया, डेटाबेस में आ गया। कौन आ गया, ये आर ओवन, दोनों रीडर आ गया। आप बोलोगे रीडर तो पहले भी आ रहा था, ये क्या नया बात है। देखो क्या नया बात अभी हुआ है, कुछ अलग हुआ है जो पहले नहीं हुआ था, इसको ऑब्जर्व करना अच्छे से। अब हम चाहते हैं राइटर के कोड को एग्जीक्यूट करना, राइटर को यहाँ लाना चाहते हैं। इनिशियली जब कोड को रन करवाए थे, रीडर जब यहाँ होता था तो राइटर यहाँ आता था, नहीं आता था। क्यों, रीडर और राइटर नहीं आ सकता है, देखो यहाँ नहीं आ सकता है, और एक कंडीशन फुलफिल हो गया था, टिक लगाए थे हम लोग। अब देखते हैं राइटर कोड को रन करवा कर, वाइड राइटर वाइड वाइल टू डाउन डीबी, इसको हटा देते हैं, पहले का सस्पेंड लिखा हुआ है, इसको हटा वो, क्या किए हम लोग, डाउन डीबी, डीबी को डाउन किए, डीबी कितना है, 1 है ना, 1 को 0 किए, 1 को 0 किए, 1 को 0 करेंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा, सस्पेंड नहीं होगा ना, सस्पेंड नहीं हुआ राइटर। इसके बाद कहाँ पहुंच गया, डीबी में, मतलब कि यहाँ कौन आ गया, यहाँ राइटर आ गया है, यहाँ कौन आया, यहाँ पर राइटर आ गया है, और पहले से कौन अवेलेबल है, पहले से 2 रीडर अवेलेबल है, यहाँ राइटर आ गया, गलत हो गया ना, नहीं चाहिए था ना ऐसा। पहले जब स्टार्टिंग में हम लोग रन करवाए थे तो राइटर आया था यहाँ पर, याद करो, नहीं आया था, तभी तो यहाँ टिक लगाया थे, रीडर और राइटर नहीं आ सकता है। लेकिन अभी देखो क्या हुआ है, बस इस लाइन को इंटरचेंज किए हैं, वो इंटरचेंज करने के चक्कर में क्या हुआ है, जो रीडर और राइटर एक साथ में साइमल्टेनियसली डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, जो कि गलत है। इससे प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होने देगा, कुछ ना कुछ आउटपुट है गलत कर देगा, हम नहीं चाहते थे होने देना, फिर भी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये 1 में दोनों स्टेटमेंट को चेंज किए थे। देखिए ना, ये चेंज करने से क्या दिक्कत हुआ, कैसे कैसे किए, पहले नॉर्मल रन करवाए तो कोई दिक्कत नहीं था, नॉर्मल रन करवाए सब रन कर गया है, मतलब स्टेटमेंट को चेंज कर इंटरचेंज करने पर भी हम रन करवाए थे ना, सब रन करवाए हैं, सब आराम से रन किया है। फिर हम क्या किए, ये दोनों से ही देखना है ना कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, तो इनिशियली तो डाउन म्यूटेक्स करेंगे तो हो जाएगा, ये पता ही है हमको, म्यूटेक्स को जब डाउन करेंगे इनिशियली तो 1 है तो 0 होना ही है, तो हो जाएगा। जब और एक रीडर को जब लेकर जाएंगे अंदर, तो RC इक्वल टू 1 जब करते हैं, तो RC इक्वल टू 1 करते हैं, तो एक इफ कंडीशन है जो कि चेक कर लेता है कि RC इक्वल टू 1 है, तो वो क्या करता है, DB को डाउन करता है, DB को डाउन कर देता है, जिससे राइटर सस्पेंड होता है DB के चलते ही, मतलब कि पहला रीडर ही जाते समय ऐसा कुछ करके जाता है कि राइटर नहीं आ सके। पहला रीडर जब जाता है, पहला रीडर जब जाएगा तो हाँ, रीडर के काउंट में 0+1 होगा RC, मतलब 1 हो जाएगा RC, उसके बाद में जाते जाएगा, इफ कंडीशन है जो चेक कर लेता है कि एक ही रीडर है ना, तो पहला रीडर जा रहा है, मतलब कि राइटर नहीं आना चाहिए, यहाँ क्या करता है, डाउन ऑफ DB करता है, DB को डाउन कर देता है। इस चक्कर में राइटर है जो जब डाउन DB करके जाना चाहता है तो राइटर नहीं जा पाता है, ये रोक रहा था ना। अभी क्या हुआ, हम लोग यहां पर ही 1 किए और प्रिंट करवाए, क्यों, अगर 1 RC का वैल्यू जाएगा तो पता है क्या, DB यहां पर डाउन करके रोक दिया जाएगा। हम लोग क्या किए, 1 करवा करना यहाँ पर ही एक प्रोसेस को रोक दिए, एक रीडर को यहाँ प्रिंट पहले करवाए, फिर एक और रीडर लाए, फिर RC का वैल्यू 1+1 करवाए, 2 करवाए, मतलब कि RC का वैल्यू को 1 होने ही नहीं दिए हैं, RC के वैल्यू को 0 से
सीधा टू या टू से ज्यादा लेकर चले गए, ओवर नहीं देखने दिए। एक कोड को ये क्या था, इफ कंडीशन में वन होगा तभी ना डीबी को डाउन करेगा, वही ना डीबी जब डाउन कर लेंगे तो राइटर को नहीं जाने देगा। राइटर को कौन रोकता है, डीबी रोक रहा है। यहाँ क्या प्रॉब्लम कर दिए, यहाँ पर आरसी के वैल्यू को वन होने ही नहीं दिए, हम लोग सीधा दो या दो से ज्यादा लेकर चले गए। कैसे, बीच में प्रिंट करवाकर। अगर एक बार यहाँ इसके अंदर यहाँ प्रिंट अगर नहीं करवाते हम लोग, इसके अंदर चले जाते, डाउन ऑफ म्यूटेक्स कर देते, तो फिर होता क्या, फिर नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता, डाउन ऑफ म्यूटेक्स अगर कर दिए, दोनों ऑक्सीजन को एग्जीक्यूट कर दिए, तो फिर से आएगा कोई और रीडर, वो क्या करेगा, डाउन ऑफ म्यूटेक्स करवाए हैं तो पहला रीडर ही क्या करेगा, दूसरा रीडर जब आएगा तो ऐसे भी यहां जाकर क्या करेगा, डाउन में वो सस्पेंड हो जाएगा खुद ही। तो पहला रीडर जैसे ही आगे जाएगा तो आरसी इक्वल टू वन में डाउन ऑफ डीबी कर देगा, मतलब राइटर को रोक देगा। तो हम लोग क्या किए, बीच में ही प्रोसेस को प्रिंट करवाकर सस्पेंड करवाकर, बीच में सस्पेंड करवाए इसको प्रिंट करके, उसके बाद में एक और रीडर को लाए, आरसी का वैल्यू को बढ़ा लिए हम लोग, जिससे कि पकड़ में नहीं आए डीबी वाला केस। इसको पकड़ में ही नहीं आया कि पहला रीडर जा रहा है, ये समझ ही नहीं पाया कोर्ट, इसको मिसलीड कर दिए हम लोग, झूठ बोल दिए। कब पॉसिबल था झूठ बोलना, जब हम लोग का आरसी ऊपर में था। अगर आरसी सही जगह होता, नीचे में होने से पहले था, पहले क्या था, म्यूटेक्स को ही डाउन कर दिए, म्यूटेक्स को डाउन कर दिए, जब वन से जीरो कर दिए, तो कोई और रीडर आरसी प्लस वन कर ही नहीं सकता है, एक ही रीडर कर ही सकता है। ये ओरिजिनल कोड है, सही लिखा हुआ था, एक ही रीडर यहाँ कर रहा था, दूसरे को चांस ही नहीं मिलेगा करने का। तो म्यूटेक्स है जो किसी और रीडर को रोक रहा था ये काम करने से, चेंज करने से क्या हुआ, म्यूटेक्स नीचे चला आया, मल्टीपल रीडर से काम करवा दिए, तो प्रॉब्लम आया ना। तो यही चीज ऐसे ही ऑब्जर्व करेंगे सेकेंड वाले में, कि अगर उल्टा रहे तो क्या दिक्कत आ सकता है। इसको हटाते हैं, पहले देख लो अच्छे से एक बार, वीडियो रोक कर अच्छे से एक बार देख लो, बस यही इतना है इसका। फिर सेकेंड वाले को भी सेम ऐसे ही हम लोग करेंगे। इसका एंट्री को मिटाते हैं पहले। यहां से भी ये सब को हटाते हैं। फिर से प्रेस स्टार्ट एक बार करेंगे और देखेंगे यहां क्या करना है। यहां पर ये दोनों कोड को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, इफ कंडीशन और म्यूटेक्स को। यहां लिख लेते हैं पहले एक बॉक्स बनाकर, क्या है, इफ कंडीशन और म्यूटेक्स को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, म्यूटेक्स ऊपर आ जाएगा, मतलब अप ऑफ म्यूटेक्स हो गया, उसके बाद इफ कंडीशन नीचे चला जाएगा, मतलब इफ क्या है, आरसी इक्वल टू वन, एक कंडीशन चेकिंग था वन, तो क्या करना है, डाउन ऑफ डीबी करना है। क्या करना है, डाउन ऑफ डीबी करना है।
हो गया ना, आप म्यूटेक्स ऊपर कर दिए, इफ कंडीशन नीचे कर दिए, इफ आरसी इक्वल टू वन डाउन ऑफ डीवी, बस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस कोड को एग्जीक्यूट करवाएंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। सेकंड वाला ही है ना, सेकंड को यहाँ लिख लिया हम लोग चेंज करके। इनिशियल कंडीशन है जो गिवन, मेंशन कर लेते हैं म्यूटेक्स कितना है, वन है, म्यूटेक्स वन है। इसके बाद क्या है, डीवी कितना है, वन है, डीवी वन है। आरसी कितना है, आरसी जीरो है। अब रन करवाते हैं, क्या हुआ, डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को डाउन किए मतलब वन से जीरो बनाए, म्यूटेक्स को डाउन किए वन से जीरो बनाए म्यूटेक्स को। फिर आ गया है आर सी इक्वल टू आर सी प्लस वन, आर सी जीरो है ना, जीरो प्लस वन कितना हुआ, वन हो गया आर सी प्लस वन। इसके बाद इसके जगह पर क्या इसको, इसका इंटरचेंज कहाँ लिखे हैं, इसको इंटरचेंज करके यहाँ लिखे हैं। उसके बाद इसको रन करवाएंगे, क्योंकि तो यहाँ तक ख़त्म हो गया ना कोड, यहाँ आर सी इक्वल टू आर सी प्लस वन कर लिए हैं। देखो इसके अगला क्या है, इफ कंडीशन आता है, लेकिन हम लोग इंटरचेंज किए हैं तो पहले अप म्यूटेक्स आएगा, तो पहले अप म्यूटेक्स आया, अप म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को अप किए वन किए। अब इंटरचेंज यही दोनों किए हैं ना, पता है कि नहीं करने पर तो रन कर ही जाता, नॉर्मल केस में भी रन कर जाएगा। तो अब इसमें कुछ ट्विस्ट लाते हैं, जैसे पिछले बार में क्या किए थे, पिछले बार में क्या किए थे, बीच में प्रिंट करवाए थे ना, फिर से बीच में प्रिंट करवाते हैं, जिसको इंटरचेंज होगा उसके बीच में ही कुछ ना कुछ छुपा है, जान लो। जो भी कोड है जहां बोल दे कि दो इंस्ट्रक्शन को इंटरचेंज किए हैं, मतलब कि उसके बीच में प्रिंट करने से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसे चेक क्या करना है, चेक करना है बीच में प्रिंट करके चेक करना है। तो क्या करेंगे यहां पर, अप ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को अप कर दिए। फिर यहां क्या किए, फिर यहां पर प्रिंट करवाए, यहां पर करवाए प्रिंट किसको, रीडर वन को, यहां पर रीडर वन को प्रिंट करवाए। फिर दूसरे रीडर को लेकर आते हैं, वही कोड एग्जीक्यूट करवाएंगे, जो कोड है क्या, डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स कितना है, वन है ना, वन को डाउन किए तो जीरो बन गया। आर सी इक्वल टू आर सी प्लस वन, आर सी इक्वल टू वन है ना, तो वन से कितना हो गया है, प्लस वन तो टू बन गया आर सी प्लस। उसके बाद एक कोड जो वहाँ लिखे हैं, यही कोड है ना जो यहाँ लिखे हैं, अब इसको रन करवाएंगे, अप ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को अप करवाए। इसके बाद इफ आर सी इक्वल टू वन, आर सी इक्वल टू वन है क्या, आर सी वन है, नहीं है ना, टू है, इसलिए इफ कंडीशन फेल हुआ तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, डाउन डीबी को नहीं करेंगे, क्यों, इफ कंडीशन ही फेल हो गया, क्योंकि आर सी टू है, यहाँ आर सी वन होने में होना था, एग्जीक्यूट करता फेल हुआ तो बाहर आएंगे, इससे इससे बाहर आएंगे तो कहाँ जाएंगे, सीधा डीबी में जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ए आर वन तो यहाँ पर ही रह गया प्रिंट होकर, आर टू यहाँ पहुँच गया है, कहाँ, डेटाबेस में आ गया। अब आर वन को ला कर देखते हैं, आर वन यहाँ प्रिंट हुआ था ना, प्रिंटन क्या है, टेम्प्रोरी स्टॉप है, उसके बाद फिर से एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। इसके बाद लेकर आते हैं तो क्या है, इफ आर सी इक्वल टू वन डाउन डी वी, आर सी कितना है, टू है ना, मतलब कि इफ का कंडीशन फेल हो गया, इससे बाहर आ गया, इससे बाहर आया, क्या आया, सीधा डीवी आया, यहाँ पर कौन आ गया, आर वन भी पहुंच गया है। अब देखते हैं राइटर को लाकर यहाँ आता है कि नहीं, क्या लगता है, आएगा, देखो दिमाग लगा तुम भी, वाइड राइटर फाइल टू डाउन डीवी, डीवी को डाउन करना है, ये देखो डीवी को डाउन करना है ना, डीवी कितना है, वन है, वन को डाउन किया तो जीरो आ गया। अब क्या हुआ, राइटर डाउन करके, डाउन किया ना, वन को जीरो किए, सक्सेसफुल ऑपरेशन है ये,
वन से जीरो अगर कर रहे हैं तो ये सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन होता है, मतलब आगे जाएगा, आगे क्या है डीबी है, मतलब यहाँ कौन आ गया, यहाँ पर राइटर भी आ गया, मतलब कि वो इंटरचेंज करने के चलते पॉसिबल है क्या, जो रीडर और राइटर पैरेलली डेटाबेस को एक्सेस कर ले, मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गया ना, रीडर और राइटर को पैरेलली नहीं आना चाहिए था, ओरिजिनल कोड में नहीं आ रहा था, तब हम लोग ओरिजिनल कोड के अकॉर्डिंग टिक लगाए हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा था मेरा ओरिजिनल कोड, लेकिन ये चेंज करने, इंटरचेंज करने के चलते यहाँ पर रीडर के साथ में राइटर भी आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, समझ गए ना, ये चेंज करने से क्या प्रॉब्लम है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा को देखेंगे, तो फिर से इसको हटाते हैं, पहले इसको देख लो अच्छे से एक बार पॉज करके, साइड हम हो जाते हैं, पॉज कर लो एक बार अच्छे से देख लो, तो इस तरीके से ही करना है सिंक्रोनाइजेशन में, जान लो, और कुछ नहीं करना है, बस कोड को एनालाइज करना है, इससे आसान और कोई चीज नहीं मिलेगा, कहीं भी जाओगे ना, कुछ भी पढ़ोगे ना, तुमको याद करना हो, कोई फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, यहाँ पर कुछ नहीं याद करना है, मतलब कि दिमाग को तुम घर में छोड़ कर भी जाओगे एग्जाम हॉल में, बाकी कुछ बने ना बने सिंक्रोनाइजेशन क्वेश्चन बना कर आओगे, क्यों, वहां पर सब कुछ वही देगा, एंसर भी वही दे रहा हो, क्वेश्चन भी वही है, सब कुछ दे दिया है, मतलब एक पैसेज है, पैसेज में एंसर है, ढूंढना है बस, सब कुछ दिया है वहां पर ही, चलो इसका वैल्यू जो चेंज किए हैं इसको भी हटा लेते हैं, पूरा नीट एंड क्लीन ही कर दो यार, चलो तब यहां से यहां तक क्या है, इसका है जगह, यहां से यहां तक में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कोड, अब क्या है, इसको इंटरचेंज करेंगे ना, डाउन ऑफ म्यूटेक्स आर सी इक्वल टू आर सी माइनस वन है, ये दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज करके कहां लिखेंगे, यहां लिखते हैं, क्या है डाउन ऑफ म्यूटेक्स, ये कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ऊपर क्या आएगा, RC इक्वल टू RC माइनस वन, तो यहां लिखते हैं पहले RC इक्वल टू RC, सी को नीचे लिखो और थोड़ा RC माइनस वन, यही है ना, RC इक्वल टू RC माइनस वन, ऊपर चला गया, नीचे था तो ऊपर चला गया, डाउन ऑफ म्यूटेक्स ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, मतलब डाउन ऑफ म्यूटेक्स ये कहाँ है, ऊपर है तो नीचे चला गया, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग कोड को रन करवाएंगे, कोड को रन करवाएंगे, देखते हैं कोड को रन करवाकर, एक पहले रीडर को लाएंगे हम लोग, कोड कहाँ चेंज किए हैं, कोड में चेंज किए हैं रीडर का ही, प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होगा, अगर स्टार्टिंग में ही राइटर को लाना शुरू कर दें कोई दिक्कत नहीं है, राइटर आ जाएगा, राइटर आएगा, मल्टीपल राइटर नहीं है, जो भी कंडीशन है फुलफिल कर लेगा, क्यों, चेंजिंग जहां लाए हैं उसको रन करवाएंगे तब तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा, जहां चेंज लाए हैं उसको अगर रन ही नहीं करवाएं तो इफेक्ट कैसे पता चलेगा, उसका क्या इफेक्ट है, क्योंकि इनिशियली तो सब सही काम कर रहा था, वो देख ही लिए थे, तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसको इनिशियलाइज करते हैं पहले, म्यूटेक्स कितना है, वन है, डीबी कितना है, वन है, आरसी कितना है, जीरो है, एक भी रीडर नहीं है, अब पहले रीडर को आर वन को लेकर आते हैं, जो हो क्या हो गया, डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स वन है ना, वन को किया जीरो, फिर आर सी इक्वल टू आर सी प्लस वन,
आर सी इक्वल टू आर सी प्लस वन, जीरो से वन हो गया। इफ आर सी इक्वल टू वन डाउन डी बी, डी बी को क्या करना है, डाउन करना है। कब, जब आर सी इक्वल टू वन है, आर सी इक्वल टू वन है ना, तो डी बी को डाउन कर लिए। फिर अप म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को अप कर लिए, क्या हुआ आर वन यहाँ आ गया, कहाँ डेटाबेस में। अब आर टू को लेकर आते हैं, आर टू को लाए डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को क्या किया डाउन किया। फिर आर सी इक्वल टू आर सी प्लस वन किए, आर सी कितना है वन है, तो वन प्लस वन तो कितना हुआ टू हो गया। फिर आर सी इक्वल, इफ आर सी इक्वल टू वन डाउन डी बी, आर सी वन है टू है, वन नहीं है तो डी बी को नहीं डाउन करें, इफ कंडीशन फॉल्स है तो बाहर आएंगे। फिर अप ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को अप कर दिए मतलब वन कर दिए, ये हो गया ना। अब देखो क्या है चेंज, यहाँ पर ही चेंज लाया है ना, ये जो चेंज लाए हैं इसको यहाँ लिखे हैं, नीचे वाला स्टेटमेंट ऊपर आ गया, ऊपर वाला स्टेटमेंट नीचे चला गया, यही इंटरचेंज किए हैं। अब इसको ये कब एग्जीक्यूट होता था, जब डेटाबेस से निकलते थे, मतलब इससे निकलते टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। अब करते हैं, यहाँ पर कौन आ गया है, यहाँ पर आर टू भी आ गया है, आया था ना अभी, आर वन पहले आया था, अभी आर टू आया था, दो रीडर यहाँ पर आ चुका है। अब हम बाहर ले जाना चाहते हैं दोनों को, कैसे, इस कोड को नहीं करेंगे, इस कोड को इंटरचेंज करके जो कोड लिखे हैं इसको एग्जीक्यूट करवा कर बाहर लेकर जाना चाहते हैं। देखो क्या करेंगे, सब चीज को, ये सब जो होता है जहाँ इंटरचेंज किए हैं, जब इसको एग्जीक्यूट करवाते ना, सबसे मेन पॉइंट यहाँ ही होता है, इसको ऑब्जर्व जरूर करना। देखो क्या होगा, अभी इसको बाहर ले जाना है, मान लो आर वन को हम ले जाना चाहते हैं बाहर, तो क्या हुआ आर वन यहाँ एग्जीक्यूट करेगा, पहले ये कोड तो यहाँ लिखे हैं इसको करेंगे, आर सी इक्वल टू आर सी माइनस वन, आर सी कितना है टू है, तो आर सी माइनस वन कितना हुआ वन हो गया। और इस रीडर को हम क्या किए, यहाँ पर ही प्रिंट करवाए, यहां पर ही प्रिंट करवाए, क्यों, क्योंकि इंटरचेंज इसको किए हैं, तो क्या बताए थे, इंटरचेंज जहां किए हैं उसी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, अगर वहां नहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुआ फिर कहीं नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब कोड तो सही रन कर ही रहा था, वो तो देख चुके हैं पहले ही। तो यहां पर क्या देखेंगे, रीडर वन को लेकर जा रहे थे, तो बाहर निकलने के बाद रीडर वन निकल चुका है बाहर, बाहर निकलने के बाद यहाँ से हट चुका है, डेटाबेस से बाहर गया है। अब निकलते टाइम में पूरा करता है या नहीं वो देखेंगे बाद में, यहाँ से बाहर जाने को वो चल दिया है। अब क्या हुआ, क्या किया रीडर वन, क्या किया आर सी इक्वल टू आर सी माइनस वन, आर सी को कम किया और प्रिंट हो गया है। अब आया रीडर टू, रीडर टू जब आया तो क्या किया, सेम कोड को एग्जीक्यूट किया, कैसे आर सी इक्वल टू आर सी माइनस वन, आर सी कितना है वन है, वन माइनस वन तो ये कर दिया जीरो, जीरो कर दिया। इसके बाद क्या किया, आर टू जो बाहर आया था डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को डाउन किया, म्यूटेक्स कितना है वन है ना, वन को डाउन किया तो आ गया जीरो, जीरो आया ना, कौन आर टू अभी डाउन किया है, आ गया जीरो म्यूटेक्स को, ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते समय। इसके बाद कहाँ आएगा, इसके बाद कहाँ आएगा, ये दोनों तो कर लिया, यहाँ आ गया, अब इफ कंडीशन में आ गया, इफ आर सी इक्वल टू जीरो, आर सी जीरो है, आर सी है जीरो, आर सी इक्वल टू जीरो, तो क्या किया अप ऑफ डी बी, डी बी वन है ना, जीरो है ना, तो क्या किया वन कर दिया डी बी को, डी बी को वन कर दिया। फिर
अप ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को ओपन कर दिया, ए बाहर आ गया, कौन आर टू बाहर आ गया, आर वन फिर यहां से चला डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को डाउन किया, उसके बाद इफ आर सी इक्वल टू जीरो, आर सी पहले से ही जीरो है, आर सी पहले से ही जीरो है तो अप ऑफ डी बी, डी बी को अप किया, डी बी को ओवन किया, अप ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को ओवन किया, मतलब कि दो रीडर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, एक और रीडर करते हैं। ऐसा हो सकता है कभी जब तुम करोगे एग्जीक्यूट, दो रीडर था, एक को प्रिंट करवाए, नहीं प्रॉब्लम दिखा है ना, एक और रीडर को लेकर आते हैं इस बार, यहाँ है जो डेटा इसको हटाते हैं, दो नहीं इस बार तीन को लेकर आएंगे, तीन में देखते हैं क्या होता है। दो में कोई दिक्कत नहीं आया था, पहले वाले में क्या हुआ, दो में ही ऑब्जर्व हो गया था डिफरेंस, इस बार दो में नहीं हुआ है, तीन तीन लेकर आएंगे। इसको हटा देते हैं, फिर इनिशियल कंडीशन से तीन लेकर आएंगे। चलो ये हो गया, यहां से ये भी हटा देते हैं। प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होगा, अगर आना होगा तो आ जाएगा, अगर तीन में भी नहीं आया तो प्रॉब्लम समझो नहीं है। देखते हैं, कोड लिखा है ना आरसी इक्वल टू आरसी माइनस वन और डाउन ऑफ म्यूटेक्स, इसको रन करवाते हैं। म्यूटेक्स का इनिशियल वैल्यू कितना है, म्यूटेक्स का इनिशियल वैल्यू वन है, म्यूटेक्स का इनिशियल वैल्यू वन है और डीवी का इनिशियल वैल्यू भी वन है। अब लेकर आते हैं डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को डाउन किए जीरो, आर सी इक्वल टू आर सी प्लस वन, यहाँ पहले से जीरो था, कोई रीडर नहीं है इसलिए वन हुआ। इफ आर सी इक्वल टू वन डाउन डी बी, आर सी वन है ना, डी बी को डाउन कर दिए, फिर अप ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को अप किए, डी बी में आ गया, कौन आ गया आर वन आ गया, फिर उसके बाद एक और रीडर को लाएंगे, क्या करेंगे डाउन ऑफ म्यूटेक्स, डाउन ऑफ म्यूटेक्स आर सी इक्वल टू आर सी प्लस वन, आर सी इक्वल टू आर सी प्लस वन मतलब टू हो गया। इफ आर सी इक्वल टू वन, आर सी इक्वल टू वन है नहीं है तो बाहर आएगा, इफ कंडीशन से क्या अप ऑफ म्यूटेक्स, अप ऑफ म्यूटेक्स मतलब वन करेगा, फिर ये कौन आ गया, ए आर टू भी आ गया, दूसरा रीडर भी आ गया, फिर एक बार देखते हैं एक और रीडर को लाकर डाउन ऑफ म्यूटेक्स, वन है तो इसको जीरो बनाया, आर सी इक्वल टू आर सी प्लस वन, आर सी इक्वल टू आर सी प्लस आर सी कितना है टू है तो अब हो गया थ्री, आर सी प्लस वन। इफ आर सी इक्वल टू वन डाउन डी बी, आर सी इक्वल टू वन है नहीं है तो डी बी को नहीं डाउन करना है, बाहर आएंगे इफ कंडीशन से, अप ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को अप करना है मतलब वन कर दिए और यहाँ क्या आ गया आर थ्री भी आ गया, एक और रीडर को ले ही आते हैं साथ, मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है ट्राई कर लेते हैं, इसमें आर थ्री आया एक और लाएंगे डाउन ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स वन है ना इसको जीरो किए, आर सी इक्वल टू आर सी प्लस वन, आर सी कितना है फोर हो गया। इफ आर सी इक्वल टू वन नहीं, आर सी इक्वल टू फोर है, अप ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को अप कर दिए, कौन है यहां आ गया आर फोर। अब रुक जाते हैं,
अब देखो क्या है, इसको केवल मिटाते हैं क्या, इनिशियल जो कंडीशन अभी है फाइनल वैल्यू वहां लिखेंगे हम, क्यों, स्पेस बनाने के लिए। आरसी कितना है फाइनल वैल्यू, आरसी 4 है ना, तो आरसी इक्वल टू इतना हटाकर केवल और केवल 4 कर लेते हैं, आरसी इक्वल टू 4 कर लिए। ठीक, म्यूटेक्स का वैल्यू कितना है, लास्ट का 1 है इंड टाइम में, तो म्यूटेक्स का वैल्यू भी 1 कर लेंगे, इसको हटाते हैं। म्यूटेक्स का वैल्यू भी 1 था तो 1 कर लिए। डीवी का चलो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब इसको एग्जीक्यूट करवाए, अच्छा डीवी 0 है तो राइटर तो नहीं आ सकता है, डीवी में वो सस्पेंड हो जाएगा क्योंकि तो, और रीडर यहाँ है ऑलरेडी, ये सही बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्या करेंगे उसके बाद, डीबी से बाहर लाएंगे, बाहर लाएंगे तो क्या लाएंगे, इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। ए कोड कहाँ है, यहाँ पर है कोड हम लोग का, तो ए कोड में पहले क्या है, इसको इंटरचेंज करके यहाँ लिखा हुआ आर सी इक्वल टू आर सी माइनस 1, यही है ना। तो पहले वाला रिसोर्स आर वन को लेकर आए, आर सी इक्वल टू आर सी माइनस 1 किए, 4 से बन गया कितना 3 बन गया। फिर यहाँ पर क्या करवाए, यहाँ पर करवाए सस्पेंड करवाए, किसको, आर वन को, यहाँ पर करवाए, यहाँ पर देखो सस्पेंड करवा रहे हैं, किसको करवाए हैं, आर वन को करवा चुके हैं सस्पेंड, ये स्टेटमेंट के बाद बीच में। फिर आर टू को लेकर आए, आर टू को भी लेकर आए, तो सेम ये स्टेटमेंट करवा कर उसको भी सस्पेंड करवाए, मतलब क्या हुआ, आर सी इक्वल टू आर सी माइनस 1, मतलब आर सी का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। आर टू को भी बाहर ले आए, आर वन देखो यहाँ से हट चुका है, बाहर जा रहा है वो, आर टू ये भी यहाँ से हट चुका है, डीबी से बाहर जा रहा है, अपना कोड है जो एग्जीक्यूट कर रहा है, 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, इसके बाद में आर सी आया था ना, आर टू बाहर निकला तो आर सी को 2 करके निकला है, फिर आर थ्री को करते हैं, आर थ्री आया, आर थ्री भी ये कोड करेगा, आर सी इक्वल टू आर सी माइनस 1, आर थ्री क्या किया, आर सी इक्वल टू आर सी माइनस 1, वैल्यू 2 है ना, एक सेकेंड, आर सी का वैल्यू 2 है, इसके बाद में म्यूटेक्स को डाउन करना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो देखते रहना, प्रॉब्लम आ सकता है ऐसा जब इसको एग्जीक्यूट करवाओगे, कभी कभी कुछ कन्फ्यूजन होगा जो नहीं बन पाएगा, एक कोई इरिटिंग नहीं होगा, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ही चलेगा वैसे ही। देखो कैसे सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम, एक चीज़ अगर नहीं कुछ बन पा रहा है कहीं पर, कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसको फिर से देखते चलना है, सॉल्व होगा ही 100% बता रहे हैं, 100% ये अभी भी सॉल्व होगा, तुम भी करोगे तो तुमसे भी होगा, ये गारंटी बात है, देखो कैसे होगा ये चीज़। हम लोग क्या किए, यहां लेकर आए थे ना, फिर आर थ्री को भी बाहर निकालते हैं, आर थ्री जब बाहर आया तो क्या हुआ, फिर से वो भी आएगा, आर सी इक्वल टू आर सी माइनस 1, आर सी माइनस 1 तो 2 से 1 हो गया, ठीक, ये 3 भी बाहर आने के लिए चल चुका है। आर फोर आया, आर फोर को भी बाहर लाएंगे, आर फोर को लाया बाहर तो क्या हुआ, आर सी माइनस 1 ये भी किया, मतलब कि आर सी का वैल्यू अब आ गया 0, आर फोर भी यहाँ आ गया, यहाँ पर कितना प्रोसेस को सस्पेंड कर चुके हैं, यहाँ पर आर वन था पहले, फिर आर टू आर थ्री आर फोर, ठीक, सब के सब चारों प्रोसेस यहाँ सस्पेंडेड हो चुका है, मतलब सस्पेंड का मतलब प्रिंट करवाए हैं, सस्पेंड कोई और नहीं किया है, प्रीइम्प्शन हुआ हम करवाए हैं इस लोकेशन पर, इसके मिडिल में, क्योंकि इंटरचेंज यही हुआ है ना, इसके बीच में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, हम यहाँ पर करवाए, हम देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम आएगा,
अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आया था ना, अब देखो क्या करेंगे हम। अब हम एक और R4 यहाँ है ना, अब एक और रिसोर्स मिला था रीडर, एक और रीडर को मान लो R5 है, मान लेते हैं R5 है यहाँ, R5 को इंटर करवाना चाहते हैं इसमें, उसको लेकर आएंगे। तो R5 है जब, इसको लेकर आएंगे तो ये क्या करेगा, कोड को एग्जीक्यूट करेगा, कैसे करेगा, डाउन ऑफ म्यूटेक्स। डाउन ऑफ म्यूटेक्स किया, म्यूटेक्स कितना है, 1 है ना, डाउन ऑफ म्यूटेक्स किया, म्यूटेक्स को डाउन किया मतलब 0 बनाया, कौन, नया जो रीडर है वो बना दिया 0। अब देखो क्या गेम यहाँ होगा, नया रीडर जो आया वो म्यूटेक्स को 0 बना चुका है, अब इसके बाद क्या होगा, आगे आएगा वो RC=RC+1, RC कितना है, 0 है ना, RC 0 है ना, RC+1 कितना हुआ, 1 हो गया, 1 हुआ ना, डाउन ऑफ म्यूटेक्स कर चुका है, RC=RC+1 भी कर चुका है, देखो RC+1 0 से 1 आ चुका है, ठीक। इसके आगे चलते हैं, इफ RC=1 डाउन DB, इफ कंडीशन को एक बार फिर से पढ़ो, इफ RC=1 डाउन DB, अगर RC1 है तो DB को डाउन करना है, कौन करेगा, R5 रीडर 5 ये काम करेगा। तो RC=1 है कि नहीं है देखते हैं, RC=1 है ना, है ना, 1 RC क्या है, RC का वैल्यू को चेक करना है, कंपेयर करना, RC1 है यहाँ पर रियल में है, तो क्या होगा, अब DB को डाउन करेगा, DB क्या है, 0 है, 0 को डाउन किया तो ये 0 हुआ, 0 ही रह गया, उसके बाद में यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर ही A पोजीशन में R5 क्या हुआ, सस्पेंडेड, R5 सस्पेंड हो गया ना, क्यों, DB पहले से 0 था, इसको 0 करने आया था, वो जो 0 है पहले से उसको 0 करने आओगे, अगर ये क्या है, सेमाफोर है, 0 को जैसे ही डाउन करोगे ओ सस्पेंड होना ही है, सस्पेंड हो गया, लेकिन क्या करके सस्पेंड हुआ है, सोचे हो ये कितना खतरनाक काम किया है पूरे कोड के लिए, सस्पेंड होने के पहले, ये सस्पेंड होने के पहले इसके ऊपर देखते जाओ मिलेगा डाउन ऑफ म्यूटेक्स, ये क्या किया है, म्यूटेक्स को डाउन करके सस्पेंड हुआ है। अब देखो इससे क्या प्रॉब्लम होगा, मान लो एक और है रीडर R6 है, ठीक, और R7 भी है, मान लेते हैं R7 भी है, R6 यहाँ आना चाह रहा है, डाउन ऑफ म्यूटेक्स जैसे ही करेगा, म्यूटेक्स को जैसे ही डाउन करेगा R6 कहाँ जाएगा, R6 भी यहाँ ही आ जाएगा, लाइन में लग जाएगा, सेम वैसे ही R7 आएगा, R7 भी लग जाएगा लाइन में, मतलब जितना भी प्रोसेस, जितना भी रिसोर्स, रीडर जो है, जितना भी रीडर ये आते जाएगा, सबके सब रीडर सस्पेंड होते जाएगा, क्यों, क्योंकि वो आते समय क्या करेगा, म्यूटेक्स को डाउन करेगा, म्यूटेक्स पहले से ही 0 है, जो भी रीडर आएगा सब रीडर सस्पेंड होते चला जाएगा। अब देखते हैं जो रीडर निकल रहा था, जिसको प्री इम्प्शन करवाए थे हम लोग, जिसको प्री इम्प्शन करवाए हैं, वो क्या कर रहा है, वो निकल सकता है क्या, अब ये देखो RC=RC-1 करवाए थे ना, इसको भी क्या करना है, इसको अब चाहिए डाउन ऑफ म्यूटेक्स, उसको क्या करना है, डाउन ऑफ म्यूटेक्स करना है बाहर जाने के लिए, म्यूटेक्स क्या है, म्यूटेक्स 0 है, कौन किया था 0, स्टार्ट कहां से हुआ था 0 करना, 0 होना स्टार्ट हुआ था R5 से, ये जो प्रोसेस है
ये जाते टाइम में म्यूटेक्स को जीरो किया और डीबी को डाउन करने के चक्कर में वो हो गया सस्पेंड। ये सब तो पहले से ही प्रीम्प्टेड था, ये सब क्या है सस्पेंडेड नहीं, इसको प्रीम्प्टेड लिख सकते हैं, इसको बना देते हैं लव। ये सब को जबरदस्ती हम सस्पेंड किए, मतलब कि प्रीम्प्ट किए। तो प्रीम्प्ट किए क्या हुआ, अब ये सब प्रोसेस जैसे ही डाउन करने जाएगा म्यूटेक्स को, म्यूटेक्स ऑलरेडी जीरो है, डाउन करेगा, सब के सब सस्पेंड हो जाएगा, सब के सब सस्पेंड हो जाएगा। तो बोलो कि इसके लिए 6 प्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं हम कर रहे थे देखिए कि डायरेक्टली बाहर जाते समय ही सस्पेंड करवाएंगे, फिर कोड को एक साथ में बल्क में सबको बाहर ले जाएंगे, तब शायद वो चीज कैच हो जाए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर क्या किए, फिर एक और रीडर को यहां से लाए, हिडन ट्रायल है वही करना भी है, यहां पर ही दिमाग लगाना है कि अगर एक तरीके से नहीं हो रहा प्रॉब्लम दूसरे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं क्या, वही काम किए। स्टार्टिंग में 2 रिसोर्स को बाहर लेकर आए, देखिए इजिली बाहर चला जा रहा है, मतलब यहां से नहीं कैच हो रहा है तो कुछ और ट्रैप लगाएंगे, कुछ और तरीके से कहीं और जाएंगे, कुछ और लाए, एक और नए रीडर को लेकर आए, उसके चक्कर में सब ब्लॉक हुआ, वो खुद भी ब्लॉक हुआ, सब रीडर को आने वाले रीडर को ब्लॉक किया और सब रीडर जो बाहर जाना चाह रहा था उसको भी ब्लॉक किया। वो लोग कितना बार, एकदम मिनिमम कितना बार चेक करना होगा जिससे ट्रैप में आता है, तो मिनिमम एक को अंदर लेकर जाते फिर एक और लाते, 2 रीडर को R1 और R2 ये 2 रीडर को अंदर लेकर जाते, इसके बाद एक साथ में दोनों को यहां पर करते प्रीम्प्ट, यहां पर 2 रीडर को करना होता प्रीम्प्ट, उसके बाद एक और रीडर को यहां से लेकर आते, ये क्या करता डाउन ऑफ डीबी करके सस्पेंड होता, मिनिमम 3 रीडर तो चाहिए था, 2 में हो सकता है क्या, एक सेकंड वो भी देख लेते हैं। एक आया डीबी को डाउन किया हुआ है ऑलरेडी, यहां आया, यहां से बाहर जब निकला तो अब तो ये किया नहीं है, RC=RC-1 हो गया है, इसको मान लो प्रिंट यहां करवाए RC=RC-1, इसको प्रिंट करवाए, इसका 0 दिया, फिर नया आया 1 आया, ये अब किया नहीं, नहीं 2 में भी हो जाएगा, हाँ 2 में भी ये सही हो सकता है। कैसे करना है, पहले यहां पर R1 को लेकर आना है डेटाबेस में, फिर यहां से बाहर लाते समय में RC-1 करके यहां पर प्रिंट करवाना है, इसको R1 को, फिर R2 को यहां से लेकर आना है, ऑटोमेटिकली R2 जब यहां पहुंचेगा डाउन ऑफ डीबी में तो R2 हो जाएगा सस्पेंड, यहां पर R2 सस्पेंड हो जाएगा और आने वाले जितना भी प्रोसीडिंग रीडर है सबको सस्पेंड कर देगा वो। उसके बाद में जब सस्पेंड होगा, लेकिन सस्पेंड होगा क्या करके R2 म्यूटेक्स को डाउन करके सस्पेंड होगा, तो म्यूटेक्स को डाउन करके जब सस्पेंड होगा R2 तो R1 को रीडर 1 को यहां से डाउन म्यूटेक्स नहीं करने देगा, तो रीडर 1 यहां फंस गया और उधर आने का रास्ता खत्म हो गया, मतलब अब कोई भी रीडर नहीं आ सकता है। तो राइटर जा सकता है क्या, राइटर देखो जैसे ही डाउन ऑफ डीबी करेगा ये भी खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डीबी ऑलरेडी 0 है, डीबी को अप कर ही R1 का काम था कि डीबी को अप करता, लेकिन R1 को चांस ही नहीं, देखो R1 यहां से आता है ऐसे कोड को एग्जीक्यूट करते हुए डीबी को अप करता, लेकिन R1 को चांस ही नहीं दिए है, R1 को बीच में प्रिंट करवा के रखे थे, और जब यहां डीबी तक पहुंच पाता है इसके पहले ही म्यूटेक्स के चक्कर में सस्पेंड हो गया, मतलब क्या हुआ ना रीडर अब जा सकता है ना राइटर जा सकता है, कोई नहीं जाएगा, मतलब कि हो गया क्या डेडलॉक। कब डेडलॉक हुआ, थर्ड वाले के चक्कर में,
वन और टू में क्या हुआ था, वन और टू करने से बोथ रीडर्स एंड राइटर्स बोथ आर एक्सेसिंग द डेटाबेस एक्सेसिंग द क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम बट ड्यू टू थ्री थर्ड क्वेश्चन व्हेन वी आर इंटरचेंजिंग डाउन ऑफ म्यूटेक्स एंड आरसी इक्वल टू आरसी माइनस वन ऑफ रीडर्स कोड देन एट दैट टाइम डेडलॉक ऑकर्ड। मतलब कि इसमें डेडलॉक हो गया, अब सब खत्म हो गया, ना रीडर जाएगा ना राइटर जाएगा, सब खत्म। तो एक चीज देख लेना कैसे एनालिसिस करना है, हो सकता है कि एक बार में नहीं बन रहा हो, कुछ प्रॉब्लम आ जाए कहीं पर, तुम कुछ और सोच कर रहे हो, सॉल्व करते समय कुछ और प्रॉब्लम आ जाए। हम बोले थे ना कि 100% सॉल्व होगा, क्यों, हम लॉजिक हमको पता है कैसे होगा, याद करना ही नहीं है, कोड सामने देगा एग्जाम में, बस लॉजिक आना चाहिए, लॉजिक आएगा वो सॉल्व होना ही होना है। तो बस यही है रीडर राइटर प्रॉब्लम। इसके बाद एक और आएगा डाइनिंग फिलोसोफर। डाइनिंग डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम इसके बाद आएगा।